हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है क्लीनिंग का वीडियो। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर था तो बहुत टाइम से अंदर पड़ा था और मैंने इसको आज निकाला है तो उस पर बहुत सारा स्टेन और एकदम बहुत डर्ट लगा हुआ है, तो मैं आज इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसका वीडियो शेयर करूँ। बस सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और बस 1 की इंग्रेडिएंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वो है नेल पॉलिश रिमूवर। इसको आप डालिए थोड़े से कॉटन पे। कॉटन पे डालने के बाद कितना भी टफ स्टेन है, कितनी भी टफ उस पर जो है डर्ट लगी है, बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगी। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको बहुत उसको रगड़ रगड़ना पड़ रहा है, रब करना पड़ रहा है। बस हल्के हाथ से आप देखिए, मैं बस को लगा रही हूँ और एकदम क्लीन होते जा रहा है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे ब्रांड का नेम लिखा है उसके ऊपर इसको रब ना करें, क्योंकि मुझसे गलती हो गई और मेरे जो ब्रांड का नेम था वो थोड़ा सा रब हो गया। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, उसके ऊपर ना लगाएं। बाकी आप हर जगह इसको लगा सकते हैं और आपका हैंड ब्लेंडर एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि आपने अभी अभी इसको परचेज किया है। जस्ट लुक एट दिस, सारी डर्ट ईजिली रिमूव होके आ चुकी है। पहले आप इस वीडियो को ट्राई करें एक बार, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर पड़ा है वो डर्टी है उसको ट्राई करें, उसके बाद ही मेरे वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आप देख सकते हैं कि कितना ये ज़्यादा क्लीन हो गया है, एकदम न्यू, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और सारी डर्ट कॉटन पे निकल के आ गई है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।